नमस्ते जी, आज हम देखेंगे थ्री फेस सिंगल फेस एंड क्यों हम लोग तीन फेस को बनाया जाता है, वो उसका रीज़न देखेंगे। पहले देखना है हमको ज़्यादा यूज़ करने का थ्री फेस, उसके बाद सिंगल फेस को बोलते हैं, एक ही फेस बोलता है एंड तीन फेस बोलता है। अभी तीन फेस हम यूज़ करते हैं छोटा इंडस्ट्रियल से, बड़ा इंडस्ट्रियल तक हम यूज़ करते हैं थ्री फेस अप्लाई। हम छोटा छोटा घर का छोटा छोटा दुकान में यूज़ करता है सिंगल फेस अप्ले। सो इतना ही हमको मालूम है क्यों हम थ्री फेस के बाद तीन फेस के बाद चार फेस नहीं है, पांच फेस नहीं है, छह फेस नहीं है। आपको सवाल पूछेगा, कोई कोई आदमी सवाल आता है क्यों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पूछता है। सो उसके लिए अभी हम जवाब देता हूँ क्या क्या रीज़न के लिए हम क्यों ऊपर नहीं जाता हूँ, वो चीज़ हम देखेंगे अभी। उसके पहले एक छोटा ड्रायर हम बनाता हूँ मैं, उसे आप देखना है। अभी एक थ्री फेस लूँगा, भाई आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए। अभी इसको नाम देगा R1, Y1 और B1 दे दो। उसके बाद दूसरा एक थ्री फेस ले लो। इसको क्या करना है, दूसरा थ्री फेस लेने के पहले क्या करना है, इसको तीन फेस को 160 डिग्री रोटेट कर दो राइट साइड में। क्यों क्यों माल ये दूसरा थ्री पेस है, ये दूसरा थ्री पेस चाहिए हम लोग। सीढ़ी रोटेट करता हूँ, रोटेट करेगा तो हमको ऐसा आएगा। ये क्या करना है, R2, Y2 और B2। अभी अपना पास दो थ्री पेस का सप्लाई है, इधर एक तीन पेस का है, इधर एक तीन पेस का सप्लाई है। अभी हम क्या करना है, एक काम कर देंगे, ये तीन फेस का इसका साथ में अटैच कर दो। देखना है अभी अटैच करेगा तो क्या होगा, इधर इधर ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। इसको क्या है, B2, ये R2, ये Y2 होगा। अभी क्या हो गया भाई, अभी देखने, अभी दो थ्री फेस का मैं रखा है इधर, दो थ्री फेस एक सर्कल में आएगा। अभी फिर 60 डिग्री इसको घुमाना है, फिर 63 घुमाना है। ऐसा 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 घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, दो बार तीन बार घुमाया तो फिर उसका उसका चक्कर में सेम जगह पे वो आएगा, मतलब किधर चालू किया उधर ही आएगा। फिर हम इधर चालू किया R Y B, फिर वापस इधर आएगा। ऐसा ऐसा घुमाया घुमाया वापस इधर आएगा। मतलब क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, इससे क्या समझ रहे हैं आप, एक सिंगल फेस से तीन बार मल्टीप्लाई करोगा थ्री फेस आएगा। अभी थ्री फेस से दो बार मल्टीप्लाई कराएगा तो आपको छः फेस आएगा। अभी तीन फेस से तीन बार मल्टीप्लाई कराएगा तो नौ फेस आएगा। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट है। अभी ऐसा आएगा तो हमको क्या काम इससे हो जाएगा, हम इसको पहले आपको एक डायग्राम बता रहा, देखना है, एक मिनट रुकना है भाई। अभी देखो आप, इसको मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं वो डायग्राम खाली देखने के लिए मैं बोला है। अभी देख रहे हैं, एक थ्री फेस का डायग्राम है, रेड फेस है। अभी देखो ये थ्री फेस है, अभी इससे 60 डिग्री में डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड हुआ, उसके बाद दूसरा फेस में ट्रा कर रहा हूँ। आपको मालूम है एक एक फेस 120 डिग्री फेस शिफ्ट होगा, फिर उससे क्या करना है, एक फेस शिफ्ट होगा फिर दूसरा फेस में चालू करता हूँ मैं। अभी देखना है, ये हो गया थ्री फेस का सप्लाई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, छह फेस का सप्लाई पूछ रहा है ना सवाल, उसके लिए मैं बोलता हूँ छह फेस करता हूँ। अभी देखो छह फेस कराए तो ऐसा हुआ, अभी छह फेस आ गया, अभी चार फेस आ गया, और दूसरा में देखना है, अभी छह फेस आ गया और आ जाएगा, अभी आपको छह फेस आ गया। देखना है इस फेस के लिए ये फेस 180 डिग्री शिफ्ट होगा, इसके लिए वो ये 180 शिफ्ट होगा, ये इससे ये 180 शिफ्ट होगा। मतलब इस ये एक थ्री फेस का अप्लाई एक ही नंबर है, थ्री फेस अप्लाई का दो नंबर है। तो इसको हम शिफ्ट करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर सेम जगह पे वो आएगा। इसलिए हम थ्री फेस से ऊपर नहीं जाता हूँ,
अगर दूसरा काम के लिए क्यों क्यों 3 फेज तो ऊपर नहीं जाता हुआ, दूसरा रीजन बता रहा हूँ आपको। अभी देखना है, हम जनरेटिंग स्टेशन से जनरेटर से पावर जनरेट करता हूँ, उधर से ट्रांसमिट करता हूँ, फिर उधर से स्टेप अप करते, फिर उधर से सबस्टेशन आएगा ट्रांसमिशन करके, फिर एक स्टेप डाउन करते, फिर हमको यूटिलाइजेशन के लिए देता है। तो इसको बाजू में हम कुछ करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 6 फेस कर देंगे और 12 फेस करेगा, ऐसा 12 फेस करेगा तो इसको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर, कनेक्टर है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सर्किट ब्रेकर यूज़ करता है ना ट्रिपिंग के लिए, वो सबस्टेशन में यूज़ करता है, वो भी नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मालूम है, उसके बाद बस पर ना वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ के लिए ज़्यादा होगा तो हमको कास्ट बढ़ते जाएगा, तो इसलिए हम 3 फेस नहीं यूज 3 फेस के ऊपर नहीं जाता हूँ कभी। 1% से 3% तक हम कई जगह पे 6 फेस यूज करता हूँ। ये 6 फेस किधर के लिए यूज करता हूँ, ज्यादा पावर जाएगा तो उधर कंडक्टर छोटा लगे तो उधर उस तरफ में यूज करेगा 6 फेस, ये काम चलता है। आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।